नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल एनालिसिस साइंस में स्वागत किया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी से न्यू अपडेट चाहिए तो आपको हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम वीडियो में बताएंगे कि प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी का जो मॉडल पेपर है उसके बारे में हम बताएंगे। क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट जो होता है वो भी 2021-22 का जो है कि अब की बार जो होता है वह टाइम टेबल के हिसाब से दिया गया है कि 2 घंटे का पेपर होगा और मैक्सिमम मार्क 75 अंक का होगा। चलिए हम कुछ के बारे में कुछ पढ़ते हैं। प्रश्न पत्र का देखिए नोट में क्या दिया गया है, ये फॉर्मेट पढ़ लेते हैं शुरू से। प्रश्न पत्रों का निर्माण 3 खंडों में किया जाएगा, ए बी सी अथवा आ बा सा। प्रश्निकों से अनुरोध है कि निम्नांकित निर्धारित प्रारूप के अनुसार प्रश्न पत्र निर्मित किए जाए एवं प्रत्येक खंड में पूरा पाठ्यक्रम समाविष्ट किया जाए। चलिए टाइम यहाँ पर देखिए दे दिया गया है, टाइम है वह 2 घंटे का है। ये देखिए यहाँ पर दिया गया है, ये टाइम 2 घंटे का दिया गया है और मैक्सिमम मार्क जो होता है वह 75 अंक का है। चलिए हम खंड आ को शुरू करते हैं। अति लघु उत्तरी क्वेश्चन यहाँ पर इसमें प्रश्न 1 में इसमें 5 उपप्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का होगा। इस प्रकार इस खंड के लिए कुल 3×3 अर्थात 9 अंक में है। इसमें प्रत्येक प्रश्न की शब्द सीमा 50 शब्द की है, अर्थात 50 शब्दों का लिखना होगा। इसमें प्रत्येक जो दिया गया है इसमें 50 शब्द की है। इस खंड में समस्त पाठ्यक्रम से होंगे, इसमें से केवल 3 प्रश्न करने अनिवार्य होंगे। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, इसमें से हमें तीन प्रश्न करने होंगे। चलिए इसमें 5 प्रश्न दिए, खंड आ में जो होते हैं इसमें 5 प्रश्न दिए जाएंगे और 5 प्रश्नों में से 3 प्रश्न करना होगा, जिसमें से 1 प्रश्न का जो है अंक जो दिया गया है 3 नंबर, अर्थात 3 प्रश्न करेंगे 3×3=9 नंबर आपको मिलेगा। चलिए अब खंड बा को पढ़ते हैं। खंड बा लघु उत्तरी क्वेश्चन इस खंड में कुल 7 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 9 अंकों का होगा। इस खंड में केवल 4 प्रश्न करने अनिवार्य होंगे। इस प्रकार इस खंड के लिए 9×4=36 अंक हैं। इसमें प्रत्येक प्रश्न की शब्द सीमा, अर्थात इसमें प्रत्येक शब्द की जो शब्द सीमा दी गई है वो है 225 वर्ड। ये 225 वर्ड दिए गए हैं यहाँ पर, ये ध्यान देने की बात है, अर्थात 225 वर्ड में लिखना है। इस खंड में समस्त पाठ्यक्रम से होंगे, अर्थात यहाँ पर देखिए नंबर जो दिया गया है वो है 4×36 नंबर। अगर आपको खंड बा से आपको 36 नंबर मिलेंगे और इसमें एक क्वेश्चन का जो है अंक जो होगा वह 9 अंकों का होगा, अर्थात 4 क्वेश्चन 9×4 9×36 अंक, और इसमें आपको 225 शब्द का करना होगा। चलिए हम खंड सा से पढ़ते हैं। दीर्घ उत्तरी इस खंड में कुल 4 उपप्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है। इस खंड से केवल 2 प्रश्न करना अनिवार्य होगा। उस प्रकार इस खंड के लिए कुल 2×15=30 अंक, अर्थात आपको ये कुछ यहाँ पर 4 प्रश्न दिए जाएंगे, 4 प्रश्नों में से ये आपको 2 प्रश्न करना होगा और प्रत्येक 1 प्रश्न का जो है अंक जो है 15 अंक का, अर्थात 2 प्रश्न करेंगे आपको और 30 नंबर मिलेगा। और इसमें देखिए यहाँ पर जो है प्रश्न जो सीमा शब्द सीमा जो दी गई है, ये सब सीमा देखिए यहाँ पर दी गई है 475 दिए गए हैं सब शब्द सीमा दी गई है। और एक यहाँ पर देखिए इस पे आपको मिलेगा 2×15=30 नंबर आपको मिलेंगे और सभी प्रश्न करना अनिवार्य, इसमें 2 प्रश्न करना अनिवार्य है। चलिए आपको अगर यहाँ पर परीक्षक नियंत्रण से दिया गया है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थैंक।